Lakshya Model School, and today in this class 6 lecture science we are going to continue with the chapter 8, the plant world. In the previous chapters, in the previous lectures, we have discussed about the plant, its parts and root system. Roots functions we have discussed, and we have discussed about its modifications also. So today in this lecture we are going to discuss shoot system, the part that is above the land, above the soil. That is shoot system. Basically, shoot system is composed of stem mainly. This is the most important one, part of the shoot system, that is stem. Okay, stem ye ek main part hai plant ka, and it is present above the, where it is present? It is present above the soil, above the land. Okay, suppose this is a plant. I have made it just roughly to let you know about the stem. So this is stem, this is stem, and lots of things arise from this stem. It can be leaves, fruits, birds, flowers. Okay, lots of things are there that are present only on the surface of stem, right? And students, there are basically two parts that stem consists. First is node and second is internode. I will tell you about this. What are these? Node and internode. Node. Node is that region that from that region a branch arises or leaves arise. Okay? Jaise ki ye wala portion. This is node. यहां से leaves arise हो रही है, leaf arise हो रही है, या कहीं से branch अगर arise होती है, suppose यहां से branch arise होती है, तो ये वाला portion भी, this one portion will be node region. ठीक है, जैसे ये वाला portion node है, this is node, right? अब node, suppose यहां पे अलग से बना के दिखाती हूँ मैं आपको, यहां से leaves arise हुई और एक लीफ यहां से अराइज हुई, तो ये वाला पोर्शन नोड है और ये वाला पोर्शन भी नोड है. इन बिटवीन दिस नोड्स, ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज इंटर नोड. दिस इज नोन एज इंटर नोड. इन बिटवीन टू नोड्स द रीजन दैट इज प्रेजेंट, दैट इज इंटर नोड, राइट? सो नोड रीजन से लीव्स अराइज होती हैं, ब्रांचेस अराइज होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स या फ्लावर जो भी चीज है, जहां से अराइज होता है, मेनली अराइवल होता है, दैट इज नोड रीजन. ठीक है, एंड बिटवीन टू नोड्स देयर इज अ रीजन दैट इज नोन एज इंटर नोडल रीजन. ठीक है, और इंटर नोड हम उसको पहले, क्लियर है? तो ये बेसिकली टू पार्ट्स थे स्टेम के, जिससे स्टेम कंसिस्ट है, जिसके जो बेसिकली इनसे स्टेम बनी हुई है, और ये आप कह सकते हैं कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू पार्ट्स, दैट इज नोड्स एंड इंटरनोड्स. करेक्ट, उसका फंक्शन भी बता दिया. अब मैं आपको बताती हूँ स्टेम के फंक्शन के बारे में. स्टेम क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? स्टेम का लोकेशन मैंने आपको बता दिया, लैंड के ऊपर होता है. अब फंक्शन देखते हैं. बेसिकली स्टेम हेल्प करता है प्लांट को कि वो स्ट्रेट इरेक्ट खड़ा रहे, राइट? फंक्शंस ऑफ स्टेम, दैट इज इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. एकदम सीधा जो इरेक्शन है प्लांट का, जैसे वो होल्ड करके रखती है सॉइल, तो बेसिकली हेल्प्स टू स्टैंड इरेक्ट, हेल्प टू स्टैंड इरेक्ट, उसको सीधा खड़ा होने में मदद करता है स्टेम. ठीक है, स्टेम हेल्प्स प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट.
नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन. किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स. वॉटर एंड मिनरल्स. अब स्टूडेंट ये बेसिकली वॉटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज. कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं स्टेम में जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वॉटर और मिनरल्स का. कौन से टिश्यूज है वो? फर्स्ट इज जाइलम, नेक्स्ट इज फ्लोएम. ओके, दीज आर द टू टिश्यूज दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स प्लस फूड ऑल्सो. ओके, सो जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम रूट से वॉटर को लेकर, वॉटर को अपटेक करता है और फिर वो लीव्स तक पहुंचाता है. तो बेसिकली जाइलम का वर्क क्या हुआ? टू ट्रांसपोर्ट वॉटर. ओके, जाइलम ट्रांसपोर्ट वॉटर, जबकि फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल्स को. ठीक है, फूड मटेरियल्स, फूड यू कैन से, राइट. सो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स, क्योंकि लीव्स में फूड बनता है, राइट. लीव्स से बाकी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द टिश्यू दैट इज फ्लोएम. क्लियर है? तो हमने अभी फंक्शंस देखे. ये दोनों मेन फंक्शंस हैं जो हर एक स्टेम परफॉर्म करती है, राइट. और अब हम देखेंगे कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस, मॉडिफिकेशंस जो हो जाती हैं स्टेम में, जिसकी वजह से वो बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म करने लगती हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लगती हैं. ठीक है, तो क्या है वो फंक्शंस? लुक एट दैट. सो लुक, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, हाउ स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस. ओके, तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कभी भी स्टेम या प्लांट अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है या कुछ डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उस केस में जो स्टेम है या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं. हमने रूट्स के केस में भी देखा था कि रूट्स किस तरीके से मॉडिफाई हुई है. ठीक है, फूड भी स्टोर कर रही है. ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम स्टेम के लिए देखेंगे कि स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाई हो गई एंड विच फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग नाउ. सो फर्स्ट इज सपोर्ट, इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सपोर्ट. इन विच केस? लुक स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि जो स्टेम्स होती है वो बहुत वीक हो जाती, वीक होती ही है नेचुरली. ओके, तो उस केस में जो प्लांट है, दिस इज स्टेम सपोज एंड दिस स्टेम इज वीक, दीज आर लीव्स, इस लीव्स के साथ में यहां साइड में इस तरीके की पतली सी सिलिंड्रिकल कॉयल्स आ जाते हैं. ठीक है, और ये जो कॉयल्स हैं ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, राइट. ये सपोर्ट देने के लिए होते हैं. दीज आर नोन एज टेंड्रिल, दीज आर नोन एज टेंड्रिल्स. दीज आर कॉयल्स एंड दीज आर वेरी सिलिंड्रिकल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट सो दैट प्लांट कैन क्लाइंब ऑल्सो एंड इट शुड नॉट हर्ट. ठीक है, एक क्लाइंब कर सके, प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सके और ग्रो भी कर सके. ठीक है, तो इसीलिए ये टेंड्रल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज टेंड्रल्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. ठीक है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. क्लियर है ये बात? और इस तरीके के जो टेंड्रल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी ग्रेपवाइन में भी मिलेंगी. ठीक है, तो जो बेल होती है कुछ उनमें ये हम देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज,
time it happens that plant do not prepare their food because of unfavorable conditions. कुछ conditions ऐसी नहीं होती हैं जिसकी वजह से leaves जो हैं या plant food prepare नहीं कर पा रहा है. उस केस में जो stored food होता है वही use होता है, right? So sometimes stem also stores food. For example, ऐसा किस केस में होता है? Example is ginger, अदरक. आपने देखा होगा, ठीक है? तो इस केस में जो स्टेम है उसके अंदर ही फूड स्टोर होता है. जो जिंजर बेसिकली होती है वो स्टेम होती है, और मॉडिफाइड स्टेम हम उसको बोलते हैं, ठीक है? उसके अंदर ही फूड स्टोर होता है. क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से फूड स्टोरेज में भी स्टेम हमारी वर्क करती है, राइट? अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज अनियन एंड पोटैटो. अनियन एंड पोटैटो ऑल्सो, दीज रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन, दैट इज प्रिपेरेशन ऑफ फूड या मेकिंग फूड. स्टूडेंट्स, इन जनरल फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ओनली, ठीक है? लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं पे जो फूड है वो प्रिपेयर होता है. बट इन दिस केस जब स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती हैं, उस केस में क्या होता है, कई बार स्टेम्स ही परफॉर्म करने लगती हैं फूड प्रिपेरेशन, ठीक है? तो ऐसा वर्क इस केस में जो स्टेम होती है दैट इज ग्रीन इन कलर, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स की फोटोसिंथेसिस कब होता है. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, ठीक है? और तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, राइट? तो क्लोरोफिल कब होगा? जब लीव्स ग्रीन होती हैं, ठीक है? वही क्लोरोफिल है, क्योंकि लीव्स ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो इस केस में जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होगी, ठीक है? और तभी जो है ये फूड को. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कैक्टस. यू हैव सीन दैट कैक्टस. कैक्टस दीज आई हैव, इसमें स्पाइंस होते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से होता है ये कैक्टस. इस तरीके से जो इसकी स्टेम्स हैं ये ग्रो करती चली जाती हैं, और ये ग्रीन कलर की होती हैं, फ्लैशी होती हैं, ओके? इवन दे स्टोर वाटर आल्सो, क्योंकि डेजर्ट है ये, डेजर्ट प्लांट है. डेजर्ट प्लांट में ऑलवेज वाटर अवेलेबल नहीं होता, देयरफॉर दे हैव टू स्टोर समवॉट वाटर इन साइड देम ऑल्सो. देयरफॉर देयर स्टेम इज समवॉट फ्लैशी, ओके? फ्लैशी भी होती है, ग्रीन भी होती है, सो दैट इट कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रिपेरेशन ऑफ फूड, ओके? सो कैक्टस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड मेनी अदर डेजर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो देयर दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर देयर प्लांट, ओके? सो टूडे वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेम कंप्लीटली. उसके फंक्शंस के बारे में देखा हमने, उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा, ठीक है? जो शूट सिस्टम था वो हमने देखा, स्टार्ट किया आज. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में, ठीक है? लीव्स क्या वर्क परफॉर्म करती हैं, उनकी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, राइट? एंड अबाउट फ्लावर, ओके? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू.